क्यों आई हो, क्यों आई हो मेरे घर, क्यों आई हो? निकल जाओ यहां से, मैं कहती हूँ निकल जाओ यहां से। जब से तुम और तुम्हारी बेटी ने मेरी दहलीज पार की है, मेरा कुछ नहीं बचा, वीरान हो गया मेरा घर। चले जाओ। जैसे मेरी नस्ल तबाह की, तुम्हारी नस्ल को भी आग लग जाए, बर्बाद हो जाए तुम और तुम्हारे होते सोते सारे। चली जाओ यार, चली जाओ, मैं अकेली रह गई, मैं अकेली रह गई, मेरा कुछ नहीं बचा, मेरा कुछ नहीं बचा, मैं अकेली रह गई। इसे क्या दबाया इमान, जनाजे का टाइम होने वाला है, कहाँ जा रहे हो? नहीं पढ़ना मुझे जनाजा, तुम्हें पढ़ना है? खड़े रहो, इंतजार कर लो। क्या हुआ आखिर, बात क्या है? मुझे नहीं पढ़ना जनाजा, तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? बात समझने की कोशिश करो, इस घर से दो दो रिश्ते हैं, इस घर में कोई मर्द नहीं रहा, तुम्हारी सगी फूफी बेवा हुई है। फूफी हमें जिंदा समझती कब है? बड़े मजमे में बद्दुआएं दे रही है मुझे, मेरे बच्चों को कोस रही है, वो नहीं देना मुझे पूछा कोई भी। सब लोग देख रहे हैं, खाम खाम तमाशा बन जाएगा, थोड़ी देर की बात है, इस बात समझो। ये देखो एक बार, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती, अभी मत जाओ, तुम्हारे महरूम बाप की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। इस वक्त सब नसीम बहुत तकलीफ में, उसकी कैफियत को समझने की कोशिश करो। मेरे बाप की रूह को उस वक्त भी तकलीफ हो रही होगी जब भरे मजमे में वो बद्दुआएं दे रही थी मुझे और मेरे बच्चों को, और ये सब आपकी उस चहेती की वजह से हो रहा है। अच्छा था फूफा की जगह रावी भर जाती। कैफियत समझूं फूफा की, उसको नहीं समझ आ रही कुछ भी। कितने बजे जनाजा यार, उठवाओ जनाजे जल्दी करो। अच्छा। 10 मिनट। हाँ ठीक है। प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू।